गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून स्टूडेंट वेलकम आप सबका स्वागत है आप सबका स्वागत है एसएससी अड्डा पर तो दोस्तों देखिए सबसे पहला सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी जो भी प्रॉब्लम रहे उसको लाया जा सके यहाँ पर डिस्कस किया जा सके तो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना भाई पहला जो क्वेश्चन है ठीक इस क्वेश्चन को आप यदि बता पाए तो बताएं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि रास का बैच राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बैच ठीक स्टार्ट होने जा रहा है और इस बैच में ठीक कोड हमारा Y260 क्या कोड है Y260 का इस्तेमाल करिए मैक्सिमम डिस्काउंट इससे आपको मिलता है टेक अब जरा बात करते हैं तो देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है साइंस साइंस का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और साइंस के टॉपिक में आ, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं भाई ठीक है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट देखिए जितने भी स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको खासियत बता दें इस बैच की देखिए बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई पूरी एक्सपर्ट की टीम है अपनी ठीक है पूरी एक्सपर्ट की टीम आप अड्डा की टीम को जानते ही हैं एक क्वालिटी देने के लिए जानी जाती है और ध्यान रखिए इसी में एक पॉइंट आपको बता दें इस, इसी में एक पॉइंट आपको बता दें कि भाई एक सबसे पहला पॉइंट क्या है किस okay. तो देखिए सबसे पहला आपको बताया कि के बैच के लिए देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों क्या ध्यान रखना है आपको कि राजस्थान के बैच के लिए ये आपके लिए लाया गया है तो देखिए सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ ऑफ द फॉलोइंग डेफिशियॉलोइंग नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज नाइट ब्लाइंडनेस निम्नलिखित में से किसकी कमी से रातौंदी होता है ऑप्शन ए विटामिन बी वन ऑप्शन बी विटामिन सी ऑप्शन सी विटामिन ए ऑप्शन डी विटामिन ई तो आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है बच्चों चलिए देखते हैं ठीक चलिए देखते हैं आपके आंसर इसमें क्या आ रहे हैं भाई तो मे भी आवाज आप तक पहुंच रही है मैं लीड लगाकर एक बार देख लेता हूं चलिए ओके आवाज अब क्लियर आ रही है ठीक है तो ध्यान रखें तो आपको बताया सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो ध्यान रखना है बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है आपको बच्चों कि ये जो है इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर है ठीक है भाई विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर है चलिए देख लेते हैं आपके कमेंट बॉक्स में कौन-कौन आंसर सही कर रहे हैं भाई ठीक है कौन-कौन आंसर सही किए हैं तो भाई अपने जो हैं ठीक है ठीक है ओके ध्यान रखें विटामिन सी किसी ने आंसर दिया था विजय जी नहीं भाई नहीं ठीक है विटामिन ठीक आपको बताया विटामिन क्या है ये बच्चों विटामिन ए इसका करेक्ट आंसर है आइए अगले प्रश्न पर अगले प्रश्न का है क्वेश्चन इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन देखिए ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है ठीक है ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ठीक सारे पीसीएस के ही क्वेश्चन को मैं उठाकर लाता हूं हमेशा अपना जो बैच चल रहा है देखिए यूपीएस यूपी, यूपी पीसीएस का एक बैच हम लोग बहुत अच्छे से दो बैच रन कर चुके हैं एक बैच को अभी रन कर रहा हूं अभी अभी साढ़े बारह तक वहीं पर क्लास थी उसके बाद आपसे जुड़ा हूं भाई ठीक है फिर बिहार पीसीएस का एक ऑलरेडी बैच चल रहा है ठीक है झारखंड पीसीएस का चल रहा है बैच ठीक है अब हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का ठीक और ध्यान रखिए इस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बैच में आपको मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए कोड का भाई वाई का यूज करना है ठीक तो अब जरा देख लेते हैं अब जरा देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन विटामिन ए ह्यूमन बॉडी में कहां पर स्टोर होता है चलिए आपके ऑप्शन को जरा देख लेते हैं तो भाई अपने दिव्यांशु जी दिव्यांशु जी ने कहा कि सर लीवर में ठीक है दिव्यांशु जी ने कहा लीवर में बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चे ध्यान रखिए करेक्ट आंसर है लीवर क्या है करेक्ट आंसर लीवर यानी में ध्यान रखिए विटामिन ए स्टोर होता है और ये सोचो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है इवन बिहार पीसीएस 2016 में भी ये क्वेश्चन था बिहार पीसीएस 2016 का भी ये क्वेश्चन था ठीक है आइए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है कॉमन नेम ऑफ केमिकल कंपाउंड एक कॉल्सिकलसीफेरॉल कॉले कैल्सिफेरोल एस देखिए ये यूपी पीसीएस दो का क्वेश्चन है क्वेश्चन है हिंदी में रासायनिक यौगिक

यूपी से हो राजस्थान से हो कहीं से दिल्ली से हो आप इस पीसीएस को भर सकते हैं ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं तो भाई अपने दिव्यांशु जी ने दिव्यांशु जी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है कि डी चलिए और और स्टूडेंट का आंसर मैं देखना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि क्या आंसर आप कर पा रहे हैं ठीक है विटामिन कैल्सीफेरॉल किसका नाम है तो आपको बता दें ठीक है आपको बता दें ठीक है इन्होंने विनोद जी ने कहा कि सर विटा विटामिन डी विनोद जी ने कहा ठीक है कि ए यानी विटामिन डी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड ध्यान रखिए विटामिन डी ठीक है विटामिन डी जो है इसका ही विटामिन डी करेक्ट आंसर है इसी का नाम ठीक है कॉले है फेरोल है आपको ध्यान रखना है ये यूपीपीसीएस का 2015 का क्वेश्चन है ठीक आइए अगला प्रश्न जरा अगला प्रश्न भरोसा है निकटेलोपिया इज कॉस्ट बाय द डेफिशियोपिया किसकी कमी से कॉस किया जाता है विच ऑफ विटामिन यह झारखंड पीसीएस से रिलेटेड है भाई झारखंड पीसीएस में थोड़ा सा क्योंकि हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है हमने रिलेटेड लिखा अदरवाइज डायरेक्ट आपको बताते हैं ठीक है तो बता सकते हैं निकट किसकी कमी से होता है ठीक है पहले आप बताइए फिर विटामिन को रटने का एक सिंपल सा तरीका बताया जाएगा चलिए देख लेते हैं आपके आंसर ओके ओके चलिए तो अभी तक ठीक जब तक आप लोग आंसर बताएं ठीक है जब तक आप लोग आंसर बताएंगे आपको बता दें बच्चों कि भाई राजस्थान पीसीएस यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ का बैच हम लोग ला रहे हैं ठीक ऑलरेडी सब बैचेस को रन करने के बाद वहाँ कोड आपको इस्तेमाल करना है हैं वाई टू सिक्सटी कई स्टूडेंट कई बैचेस आपने रन कर रहे हैं भाई पीसीएस के आपको ये बताने के लिए कि किस टाइप से और देखिए सारे पीसीएस के क्वेश्चन को लेकर हम लोग करते हैं ठीक है चलिए ओके तो ओके ठीक है लखन जी का आंसर है कि सर विटामिन ए ठीक है दिव्यांशु जी विनोद जी ठीक है सब ने आंसर करा है कि सर विटामिन ए ध्यान रखिए निकटलोपिया बहुत बढ़िया ध्यान रखिए विटामिन ए की कमी से विटामिन ए की कमी से भाई अब तक आंसर तो विटामिन ए अब तक हम लोग क्या पढ़ते हैं रतौंधी यानी कि कहें नाइट ब्लाइंडनेस है ना तो ध्यान रखें नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ नाइट ब्लाइंडनेस के साथ-साथ है ना नाइट ब्लाइंडनेस के साथ-साथ पहली बीमारी विटामिन ए की कमी से दूसरी बीमारी ध्यान रखना है जीरोफ्थेलमिया जीरोफ्थेलमिया ठीक है जीरोफ्थेलमिया इसके बाद तीसरी बीमारी ध्यान रखना है तीसरी बीमारी आपको ध्यान रखना है जीरोफ्थेलमिया के साथ-साथ कैरेटोमेलेशिया कैरेटोमेलेशिया मलेशिया ठीक है कैरेटोमेलेशिया ठीक ये सब और निक्टोलेपिया ये सब जो है किसके कारण होता है विटामिन विटामिन ए के कारण होता है विटामिन ए की कमी से होता है ये एक साइंस का मॉडल आपको बता रहे हैं ठीक है साइंस का मॉडल बता रहे हैं वहां पर मैं और वहां पर तो पूरा डिटेल चलता है भाई डिटेल के बाद फिर आपको उसके शॉर्टकट भी बताए जाते हैं यानी पहले डिटेल फिर विटामिन के लिए शॉर्टकट ठीक है सब चीज ये बताया जाता है बच्चों अच्छा अगला साइंस का क्वेश्चन स्टडी ऑफ ब्रेन बहुत सिंपल सा ये भी क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मस्तिष्क की स्टडी को क्या कहते हैं ऑप्शन है देख ऑप्शन है न्यूरोलॉजी कार्डियोलॉजी ऑस्ट्रियोलॉजी फाइकोलॉजी चलिए देखते हैं, आपके आंसर. आपके आंसर है देख हैं। चलिए ओके प्रिया जी ने कहा पिछले में विटामिन ए बहुत बढ़िया लखन जी ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों तो अब जरा अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ब्रेन ब्रेन की स्टडी को क्या कहते हैं मस्तिष्क की स्टडी को क्या कहते हैं ऑप्शन ए है न्यूरोलॉजी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्शन बी कार्डियोलॉजी ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी ऑप्शन डी ठीक फाइकोलॉजी तो आपको बता दें करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इसका क्या है भाई करेक्ट आंसर क्या है तो चलिए अब आंसर आना शुरू हो चुका है ठीक है प्रिया जी ने कहा ए दिव्यांशु जी ने कहा ए ठीक है लखन जी ने कहा दिव्यांशु जी ने कहा डी लखन जी ने कहा बी भाई ध्यान से समझना ब्रेन की स्टडी का करेक्ट आंसर प्रिया जी का है प्रिया जी का करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है क्या न्यूरोलॉजी

एलगी एलगी आप जानते होंगे एलगी यानी काई काई की स्टडी एलगी की स्टडी को क्या कहते हैं बच्चों तो फाइकोलॉजी एलगी एलगी आप जानते होंगे तीन टाइप का होता है मेनली मेनली तो कई सारे हैं मेनली तीन टाइप के आपको ध्यान रखना है ग्रीन एलगी है ना ब्राउन एलगी रेड एलगी ठीक है ग्रीन एलगी एलगी को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई सहवाल हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सहवाल ठीक है ठीक है ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आपको बता दें हड्डी वड्डी सबने बताया गुड 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 ठीक है भाई चलिए ओके तो आपने जाना अच्छा एलगी का आप बता सकते हैं एक एक स्पेस स्पेस फूड फूड में में यूज होता में यूज होता होता है है का का उस नाम बताइए बच्चों ठीक है चलिए जब तक आप बता दें आपको बता दें मॉर्निंग तो में मंडे को ग्यारह बजे जुड़ना ठीक वहां पर मैं साल भर का करेंट अफेयर ला रहा हूं लाइव करंट अफेयर चलता है साल भर का लाइव करेंट अफेयर कितने साल साल का चलता है वन ईयर का करेंट अफेयर में पूरा ठीक पहले डिटेल कराता हूं फिर ऑब्जेक्ट